तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की। और लास्ट क्लास में हमने फोर लूप के बारे में अच्छे तरीके से जाना था। अब हम बात करेंगे फोर लूप में ही आगे फोर ईच और फोर लूप के कुछ और कंटेंट के बारे में। और आप लोगों को मेरी आशा है कि आप लोगों ने अभी तक जो फोर लूप के बारे में सीखा था वो आपने पढ़ लिया। सर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। हेलो रमेश, रमेश जी मेरे यहाँ आपका शो कर रहा है मोबाइल फोन, तो कैसे अलाउ करूँ सर? अलाउ नहीं हो रहा है। आप दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ ईच को रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फोर इच में आप रिवर्स फोर सॉरी फोर लूप में आप रिवर्स ऑर्डर कैसे लेके चलेंगे। तो हमने आपको बताया था कि फोर में हम जब भी फोर लूप लगाते हैं तो 1 to 10 चलता है। देखिए मुझे 10 to 1 चलवाना है, कैसे चलेगा? चलिए इसी चीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ फोर आई इक्वल टू चले 10 to 1 नेक्स्ट और हम यहां पे रेंज ए पे A1 में होगा एक यहाँ पे दिक्कत हो गई ना, यहाँ पे पैसे पाते हैं डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू कि हम आई वैल्यू। अब इसको रन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं किया क्योंकि ऐसा डायरेक्ट इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे तो लूप आपका नहीं चलता है। अच्छा इसमें यहाँ पे लास्ट में स्टेप स्टेप में -1 देना हो, -1 देंगे तो आप देखिए ये आपका रिवर्स ऑर्डर आ गया। तो 10 से स्टार्ट होगा और 1 पे चला जाएगा। ठीक है सर, आप बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या है? तो आपको याद होगा हमने लास्ट में पिरामिड बनाया था, इसमें हमने क्या दिया था? हमने दिया था कि 4 आई इक्वल टू चले 1 to 5 और फिर याद रहेगा 4 जे इक्वल टू चले 1 to i। नेक्स्ट j और नेक्स्ट i और यहां पे हमने किया था सेल्स i कॉमा j डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार। ये तो हमारा ए हुआ था, पिरामिड हुआ था, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये आपका पिरामिड बन के आया था लेकिन इसलिए उल्टा उल्टा पिरामिड बनाना था, मतलब कि पहले 5 आए फिर 4 आए फिर 3 आए इस तरह से। तो मैंने यहां पे
5, 2, 1 कर देता हूं, और यहां पे स्टेप माइनस वन। मैं इसमें इसको एक बार अपडेट करता हूँ। अच्छा हाँ, नीचे से चल रहा है ना, नीचे से जा रहा है, तो हमें यहां पे हो गया। अब आई में 5 है, तो यहां पे मैं 6 माइनस 5 कर देता हूँ। अब सही है, अब आया। ठीक है सर, तो हमने यहां पे रिवर्स में लगा दिया। जाहिर जी, समझ में आया आपको? सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? जैसे पहले भी तब भी हमने यही किया था, मतलब ठीक है, हमने फर्स्ट इसमें एक स्टेप चेंज कर दिया है। नहीं, तो हमने नीचे वाला पिरामिड, अगर आप मान लीजिए 6 हटा देते हैं जी, तो क्या होता है कि आपका जो पिरामिड बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ना। नहीं सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। ऐसा बना जी, हमने इसको उलट देना था। इस तरह तो हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमें अपने आई को 5 बार 5 चलाना था, ताकि यहाँ पे 5J चल जाए, समझ गए? इस तरह से। तो अगर हम एक यहाँ पे करता, मैं यहाँ ये भी कर सकता था, 1 to 5 कर सकता था, तो 1 to 5 में फिर मुझे यहाँ जे को माइनस करने पड़ेंगे ना जी, जो कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल भी किया था। हाँ जी, याद है सर? याद है। तो यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपना लूप ही उल्टा चला दिया, हमने 5 से 1 पे चला दिया। तो पहले बार जे 5 बार चलेगा, फिर दूसरा बार जे जो है वो 4 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 2 बार चलेगा। इससे पहले क्या हो रहा था कि पहले बार जे 1 पे चल रहा था, 2 चल रहा था, हम 5 से 1 पे आ गए रिवर्स ऑर्डर में। इसका बहुत जगह भी यूज होता है, लेकिन अभी इसका सटीक एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इसका सटीक एग्जाम्पल आगे हम देंगे आप। अब स्टेप माइनस वन किया, अगर हम स्टेप 1 करेंगे तो क्या होगा? अब यहां पर एक चीज भी देख लीजिए, तो स्टेप का मतलब क्या होता है, इससे आपको समझ में आ जाए। सॉरी, स्टेप में जब 1 देते हैं तो हमें 1 to 10 देना होता है। यहाँ पे स्टेप 1 दे दिया तो 1 to 3 ये 10 तक सिक्वेंसली आपका चल रहा है, राइट? अब जैसे मैं स्टेप 2 करूंगा तो क्या होगा, देखिएगा। अब जो है इसमें दो दो का गैप होगा, यहाँ देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो आप स्टेप प्लस स्टेप 1, मतलब कि जो आप 1 से 10 बोला है तो वो कंटिन्यूस चलेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। लेकिन अगर आपने स्टेप को माइनस में किया तो फिर वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। स्टेप को मैंने 2 दिया तो अब क्या होगा कि वो दूसरे वैल्यू को, पहला को इग्नोर किया, दूसरा लगा, फिर मैंने पहला लिया, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, ऐसे चलेगा। मतलब कि वो लूप को, मतलब कि लूप
दो ऐड नहीं करेगा, एक ऐड नहीं दो ऐड करेगा, ऐसे तीन करूंगा तो तीन करेगा, चार करूंगा चार करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं 50 कर देता हूँ और स्टेप थ्री कर देता हूँ, ठीक है सर। तो उसी तरीके से इसने बात, और सर अगर नीचे से अगर हमें कराना है तो इसको मतलब जैसे तो माइनस, जैसे ओके -3 लेकिन ए माइनस थ्री करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर 1 to 5 नहीं होगा, फिर 50 to 1 होगा, ठीक है। ओके ये आपका होता है स्टेप होता है, हम इसमें स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप करने से क्या होता है, वो रिवर्स रेंज में रिवर्स ऑर्डर में चलता है, ठीक है। ठीक है सर, तो इस हिसाब से इसमें कॉलम का भी गैप हम दे सकते हैं, जैसे आप इसका अगर हम आप इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप एक बार उसको करके देखिएगा क्या, जी और जहां दिक्कत होगा वहां हम आपको हेल्प कर देंगे। ओके और सर मुझे इसको अगर क्रॉस जाना हो तो जैसे मान लो एक रो है फिर एक स्टार जा रहा है और कॉलम रो 1 और फिर कॉलम 2, सर लेकिन वो जाहिद जी आप ट्राई कीजिएगा ना, ट्राई करके आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बता मैंने देंगे, ठीक है सर एक्चुअली क्रॉस क्रॉस का मैंने ट्राई किया था, क्रॉस नहीं हुआ था ट्राई किया था आपने, जी क्रॉस का तो मैं वैसे ट्राई कर रहा था इस प्रैक्टिस के लिए, बट वो क्रॉस क्रॉस का नहीं हुआ था। आप क्या करना चाह रहे थे समझ में आया मुझे, मेरे एक्चुअली मुझे एक त्रिभुज टाइप का मतलब मैं बना रहा था, तो जो बना था तो मुझे उसको एज नाम दिया क्रॉस बोथ साइड से, तो जो बना रहा था तो वो हुआ नहीं था, जैसे हमारा हमें इसमें बेस देना पड़ता है कि पहले जो हमारा आई चलेगा वो चलेगा 1 to 5 चलेगा, ठीक है सर, और फिर हम कॉलम को करते हैं -1 या +1 जो हम करते हैं। अब अगर मैं एक 1 स्टार से ही उसको त्रिभुज बना रहा हूँ तो दोनों साइड वो चलेगा सर क्रॉस, और जो नीचे चलेगा 5 बार, तो क्रॉस जब मैं उसको चला रहा हूँ तो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक काम करूंगा, आपको जब मैं जब आपको मैं भेज दूंगा आप फाइल, कोड मुझे भेज दीजिए मैं बता दूंगा कहाँ पे आ रहा है। हाँ ठीक है सर, लोजी जब तो आपके थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो कोड देख देंगे, लेकिन आप बोलेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, कोड देखते हैं आप बता देंगे कि हाँ यहाँ पे गलती है, ठीक है सर, ठीक है ना जी सर। अब हम बात करते हैं, अब मेरे पास एक आगे का टॉपिक है फोर इच का, तो फोर इच का टॉपिक करेंगे, या फिर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है लाइट प्रोजेक्ट है, एक कल एक किसी के लिए मुझे कॉल करके पूछा था वो करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। लाइव क्वेश्चन को करेंगे या टॉपिक को करेंगे, टॉपिक है सर, टॉपिक है मतलब क्वेश्चन कर लो सर, बेस्ट है एज ए एक आईडिया मिल जाएगा सर प्रोजेक्ट का। टॉपिक तो होता रहेगा पर क्वेश्चन नहीं होता रहेगा ना, कई क्वेश्चन तो एट अ टाइम पूछे जाते हैं ना जी। ओके तो बेसिकली हम आपको बताते हैं क्या क्वेश्चन है, हमारे हमारे बहुत ही पुराना स्टूडेंट रोमिल है, उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन क्या है चीज को समझिए, बेसिकली उसके पास एक डेटा है, ठीक है, उस डेटा में से वो वी लुकअप लगाता है, या डेटा शीट है वी लुकअप लगा के डेटा को लेंस करता है, तो उसको जो है माने बाकी सब चीज है, मैंने मान लीजिए कि वी लुकअप से उसको आईडी के एंड पे नेम लेना होता है, राइट सर, और ये वी लुकअप उसको दिन में 10 बार कभी 50 बार लगाने पड़ते हैं, 100 बार लगाने पड़ते हैं, तो उसको बार बार वी लुकअप उस फाइल को खोलना पड़ता है, वी लुकअप लगाना पड़ता है, और फिर उसको रेंज देना पड़ता है एंड कॉमा 2 करना पड़ता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर कहीं और किसी सीट पे कहीं और सेम चीज को करना पड़ता है, तो उसका क्या नाम है कि एक ऐसा फॉर्मूला बने कि मैं जस्ट यहाँ पे इक्वल मान लीजिए वीएल हो गया, नाम वीएल, और मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मुझे
इफ यू होस्ट अपने आप आ जाए। वो उसका कहना है कि मेरा जो रेफरेंस है, ये जो रेंज है, ये आपका मतलब एफ सिक्स के बाद ये पूरा मेरा सेम है, समझ गया? ओके। तो चलिए अब इसकी वो फंक्शन की बात की है तो मैं उनके लिए एक फंक्शन ही बना देता हूं। तो आप ए डेवलपर पे आते हैं, विजुअल बेसिक। फंक्शन हम रियल के नाम से बनाते हैं, एन एज ए वेरिएंट, क्योंकि वीलुकअप में कुछ भी सर्च किया जा सकता है, सिर्फ वेरिएंट से नहीं। अब सबसे पहले तो हम अपना जो डेटा वर्कबुक है इसको ओपन कराएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तभी लगेगा और वैल्यू तभी अपडेट होगा जब उसका फाइल ओपन होगी, क्या सर? तो मैंने इसका पाथ कॉपी कर लेता हूं। क्या लिखता हूं सबसे पहले? वर्क बुक्स डॉट ओपन ठीक है, और फिर यहाँ पे ऊपर एक ऐसे देता हूं कि जिम आर एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहां देता हूं कि आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप, और वी लुकअप में हमारा एन हो जाएगा रेफरेंस और हमारा रेंज हो जाएगा वर्क बुक्स में हमारा डेटा डॉट एक्सएलएस एम डॉट शीट्स, कौन सा शीट्स है? डेटा शीट्स, डेटा डॉट रेंज, और रेंज में हमारा हो जाएगा ए से लेके जी, और फिर यहां पे टू कॉमा जीरो हमने दे दिया। फिर रियल यहां पे वर्क कौनसा वर्क वो डेटा डॉट एक्सएलएस एम डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, ट्रू नहीं फॉल्स कर दीजिए, सेव नहीं करना है ना, फॉल्स, और फिर रियल इक्वल टू आर ठीक है सर। अब इसको यहां पे लगाता हूं रियल, इसको सिलेक्ट करके रिजल्ट में एरर है। अब यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया कि
आपके फंक्शंस के अंदर में आप इवेंट यहाँ नहीं करा सकते। हमने यहाँ पे इवेंट दे दिया ना, हमें रूल भूल गया था, इवेंट्स नहीं करा सकते, हमें वर्कबुक को आप ओपन नहीं करा सकते या वर्कबुक को क्लोज नहीं करा सकते, क्योंकि ये माइक्रो का पार्ट है, ये इवेंट है, फंक्शन कैलकुलेशन के लिए होता है, यहाँ कैलकुलेशन होना चाहिए, इसलिए रिजल्ट जो है आपका एरर दे रहा है। एक मिनट में, या VL नाम का ऑलरेडी फॉर्मूला है, VL नाम का फॉर्मूला नहीं, इसमें कुछ और सोचना होगा सर। दूसरी बात यह है कि अगर हम वर्कबुक को ओपन नहीं करते हैं, वर्कबुक को अगर हम ओपन नहीं करते हैं तो दिक्कत यहां हो जाएगी। मान लीजिए वर्कबुक को ओपन कराने वाला कोड यहाँ हम छोड़ देते हैं और क्लोज करने वाला कोड भी छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तब भी वैल्यू एरर आ रहा है। यहाँ पे कुछ और सोचना होगा सर, आप लोग भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ, ठीक है सर? ओके सर, ठीक है राज जी जी। और मैं आपको अभी जो है फोर ईच के वीडियो का, आज का क्लास के टॉपिक का वीडियो भेजता हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर हम कल की क्लास में फोर ईच करेंगे, ठीक है? फोर लूप खत्म हो जाएगा, फोर ईच एंड फोर लूप दोनों करेगा, मैं भी भेज देता हूँ निकाल के व्हाट्सएप पे, ठीक है? आप जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर दूंगा जी। ओके बाय बाय।